वेलकम टू पीएफएबी पाकिस्तान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सी ड्राइव की कैश मेमोरी उसको क्लीन करना सीखेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम आपको पार्टीशंस को क्लीन करना या कैश मेमोरी या कैश डेटा को क्लीन करना सिखाएंगे कि आप सी ड्राइव के अंदर ऐसी फाइलें जो नेसेसरी नहीं हैं या स्टोरेज को कंज्यूम कर रही हैं उन फाइल्स को कैसे क्लियर किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करेंगे विंडो की से। यहाँ पे लिखेंगे क्लीन, CLEAN। आपके सामने डिस्क क्लीन अप का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे। ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ गया, डिस्क क्लीन अप ऑप्शन। अब यहाँ से आप टैब की मदद से पहले आप कंफर्म कर लें कौन सी डिस्क को क्लीन करना चाह रहे हैं। टैब की मदद से मूव करके सारे ऑप्शन देखते हैं। एग्जिट बटन, ड्राइव जो है वो सिलेक्ट है सी ड्राइव और इसके ऊपर हम आगे ओके का ऑप्शन है। अगर यहाँ से कोई और ड्राइव चूज करनी है तो यहाँ लिस्ट में से डाउन एरो के साथ मतलूबा ड्राइव को चूज किया जा सकता है। हम सी ड्राइव को क्लीन करेंगे क्योंकि हमारी विंडो और बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सी ड्राइव में इंस्टॉल हैं, इसलिए हम एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम हो रही है उसको कैश को क्लियर करेंगे। सी ड्राइव के ऊपर रखते हुए कर्सर टैप करें, ओके के ऑप्शन पे एंटर प्रेस कर दें। अब आप डायलॉग बॉक्स ओपन होने का वेट करें और फिर टैब की मदद से दोबारा मूव करके कंफर्म करें। टैब की मदद से मूव करें, क्लीन अप सिस्टम फाइल का ऑप्शन आया, व्यू फाइल, ओके बटन, दोबारा टैब करें, ओके नहीं करना अभी, मूव कर रहे हैं। लिस्ट में आएंगे कि कौन कौन सी जो फाइल्स हैं या डेटा है वो क्लीन होगा। पहला क्या था आपका, डाउनलोड फाइल्स। यहाँ पे आपको जितनी भी कैश मेमोरी या जो इसकी सी ड्राइव की पार्टीशन की मेमोरी जहाँ पे भी कंज्यूम हो रही है वो आपको उसकी MB बताएगा और सारे फोल्डर के नाम बताएगा। डाउनलोड 0 MB है, इसका मतलब है डाउनलोड के अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ। फिर डाउनलोड करें, 2.53 MB, इसका मतलब है कि जो टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स हैं वो 2.3 MB कंज्यूम हो रही हैं। तो यहाँ से चेक कर लें या पहले से अगर ये चेक है तो इसे ये ऑलरेडी चेक है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो चेक होंगी वो क्लियर हो जाएंगी, जो नॉट चेक कर देंगे वो नहीं जाएंगी। ये विंडो के जो एरर रिपोर्टिंग है ये नॉट चेक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। फिर डाउन एरर करते हैं, ये भी 0 byte कोई भी नहीं है इसके अंदर, ये भी नॉट चेक है, इसको छोड़ दें। डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन ये 900 some जो MB कंज्यूम कर रहा है, इसको भी चेक कर लें। फिर डाउन एरर करें, डाउनलोड्स जो आपने कर रखी हैं चीज़ें वो 1 some GB डेटा कंज्यूम हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसको कैश कर दें क्लियर, अगर आप डाउनलोड मटेरियल रखना चाहते हैं तो उसको रहने दें। बेहतर तो ये होगा कि आप जो भी चीज़ डाउनलोड करें इसको कॉपी करके डी या ई ड्राइव के अंदर बैकअप के तौर पे रख लें और डाउनलोड को क्लियर कर दें। हम इसको अभी नहीं कर रहे, फिर डाउनलोड करते हैं। 6.4 GB आपकी सी जो रिसाइकल बिन और सी की मेमोरी को कंज्यूम कर रही है, 6 GB और सम, इसको भी चेक करें। फिर डाउन एरर करते हैं, 125 MB, ये भी नॉट चेक है, इसको भी कर दें। 244 MB थंबनेल जो आपके पड़े हुए हैं इनको रहने देते हैं। और ये आखिरी ऑप्शन था, इसके ऊपर टैप करें, ओके कर दें। यहाँ पे मैसेज उसने दिया कि आप इसको क्लीन अप करना चाह रहे हैं तो यस कर दें। डिलीट फाइल का ऑप्शन होगा, एंटर कर दें। मैसेज दे रहा है कि आप क्लीनिंग हो रही है और थोड़ा वेट करें।
83%. साथ वो परसेंटेज बता रहा है कितनी क्लीनिंग हो चुकी है। तो ये डेटा अब आपको दोबारा नहीं मिल पाएगा। ये सारे फोल्डर जितने हमने चेक करके क्लीन किए हैं, ये सारे क्लियर हो गए, इसमें से कोई डेटा नहीं बचेगा। जिनको हमने नॉट चेक किया था वो डेटा आपका मौजूद रहेगा। तो इस तरह से आप जब आपकी ड्राइव मुकम्मल क्लीन हो जाएगी, आप इसे क्लोज़ कर दें। तो ये तरीका था कि आप सी ड्राइव की कैश मेमोरी को क्लियर कर सकते हैं, और इसको इसलिए कैश क्लियर करते हैं ताकि आपकी विंडो रनिंग के प्रोसेस में आपका स्पीड तेज़ रहे और प्रोसेसर पे बर्डन कम पड़े, और जो फजूल डेटा है वो आपका साथ साथ क्लीन होता रहेगा। जी दोस्तों, आपने हमारा ये ट्यूटोरियल सुना। उम्मीद करते हैं आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए तरतीब से ट्यूटोरियल मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर जॉ स्क्रीन रीडर के साथ तैयार कर रहे हैं। अगर आप इन ट्यूटोरियल की सीडी हासिल करना चाहते हैं या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। कंट्री कोड 92, सिटी कोड 051, नंबर है 2253775 या 2253803, व्हाट्सएप नंबर 03455335195, ईमेल एड्रेस pfab.station1@gmail.com, वेबसाइट www.pfab.org.pk।